बरेली जिले को आलूदगी से बचाने के लिए डिविजनल ट्रांसपोर्ट अफसर ने डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा के परमिट पर रोक लगा दी थी और जो ऑटो डीजल से चल रहे थे उन्हें शहरी इलाके छोड़कर देही इलाकों में चलाने की हिदायत दी गई थी। अब देही इलाकों में चलने वाले मुतअद्दिद ऑटो रिक्शा शहर में चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक निज़ाम खराब हो रहा है। इसके लिए मनसूबाबंद तरीके से पीले रंग के ऑटो रिक्शा को देही इलाकों में और सब्ज रंग के ऑटो रिक्शा को शहर में चलाने की इजाज़त दी गई थी, ताकि सनद रहे कि किस रंग का ऑटो रिक्शा किस इलाके में चलाया जाएगा। अब ऑटो यूनियन ने इल्ज़ाम लगाया है कि देही इलाकों में चलने वाले पीले रंग के ऑटो रिक्शा के मालिकान ऑटो का रंग बदल कर सब्ज रंग कराने के बाद शहरी इलाकों में बेखौफ खतर चला रहे हैं। यूनियन ने मुतालबा किया है कि गैर कानूनी तरीके से चलने वाले ऑटो रिक्शा को फौरन बंद किया जाना चाहिए। जो देहात परमिट गाड़ी है, जो जेड गाड़ी बोलते हैं, उसको दिया जाए, क्योंकि तो वो बड़ी गाड़ी है और बड़ी गाड़ी होने के कारण उसका कलर भी एलो ही होना चाहिए। ये मांग हमने डीएम साहब से कर रखी थी, ऐसे साहब महोदय से भी मिले थे, मंडल आयुक्त से भी मिले थे, तीनों को मिलकर उन्होंने कहा और डीएम साहब ने इस बात को संज्ञान में लिया है और कुछ संशोधन हुआ भी है और आगे होगा भी। अगर नहीं होगा तो हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे, अनशन पर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन जो भी हो हम सब करेंगे। बरेली ऑटो टेम्पो रिक्शा ड्राइवर वेलफेयर सोसाइटी ने जिला मजिस्ट्रेट मानवेंद्र सिंह को एक शिकायत पेश करते हुए कहा है कि देही इलाकों में चलने वाले ऑटो रिक्शा अब शहर में रंग बदल कर चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहर का ट्रैफिक निज़ाम बदतर होता जा रहा है। शहर के लिए सिर्फ 3,250 ऑटो रिक्शा चलाने के लिए परमिट किए गए थे, जबकि इस वक्त शहर में तकरीबन 6,000 से ज्यादा ऑटो रिक्शा चलाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि आरटीओ दफ्तर से सन 2013 में कुल 1,250 ऑटो रिक्शा को देही इलाकों में चलाने का परमिट दिया गया था। अब वो भी पीले रंग को सब्ज रंग में तब्दील कराने के बाद शहर में चलाए जा रहे हैं। इसकी वजह से शहर में ट्रैफिक निज़ाम भी दरहम बरहम होता जा रहा है और जिन ऑटो रिक्शा मालिकान का शहर का परमिट है उन्हें सवारियां मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा डीजल से चलने वाले तकरीबन 2,500 ऑटो रिक्शा शहर और देही इलाकों में बेखौफ व खतर चल रहे हैं। चार केंद्रों से पिठौरा केंद्र, फरीदपुर ऑटो केंद्र, फरीदपुर केंद्र फतेहगंज पश्चिमी और आपको एक केंद्र पिठौरा से 16 अप्रैल चार केंद्रों से उन्होंने जो परमिट जारी किए हैं अनलिमिटेड, उसमें उन्होंने सबके कलर हरे कर दिए हैं। हमने इनसे एक ही सवाल कहा, जब के सब सबके कलर हरे हो जाएंगे तो यातायात पुलिस और पुलिस कैसे पहचान करेगी कि भाई ये गाड़ी सिटी की है कि देहात की है। करके जिलाधिकारी महोदय से डीएम साहब से हमने मुलाकात करी, डीएम साहब के संज्ञान में देने के बाद जो है डीएम साहब ने कहा ये बातचीत गलत है। बरेली ऑटो टेम्पो रिक्शा ड्राइवर वेलफेयर सोसाइटी के जिला सदर रईसुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी गुरु दर्शन सिंह और सेक्रेटरी अजीमुद्दीन ने जिला मजिस्ट्रेट से शिकायत करके इस मामले में मदाखलत करने का मुतालबा किया है। बरेली से ईटीवी भारत के लिए मुस्तफीज अली खान की रिपोर्ट।